स्वागत किया जाता है। हमारी बिन्नाकुली पल्ले किस स्थिति से शुरू हुई, यहाँ कौन कौन से फादर आए और क्या कठिनाई झेलनी पड़ी, उन्हें हम संत पौलुस कैथोलिक गिरजा के इतिहास के रूप में आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ मिस्टर विवेक को कि आप लोगों के सामने संक्षिप्त संत पौलुस कैथोलिक गिरजा का इतिहास बताएं। हमारे संत पौलुस कैथोलिक गिरजा का इतिहास। संत पौलुस कैथोलिक गिरजा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के उत्तर पूर्व बिन्नागुड़ी में स्थित है। इस पल्ली का प्रारंभ करने में तीनों फादरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पल्ली का निर्माण स्वर्गीय बिशप फ्रांसिस इक्का के अनुरोध पर पीमे फादरों को एक नया पल्ली के गठन के कार्य सौंपा गया। इसकी पवित्र मिशन के कार्य को पूर्ण करने के लिए फादर यूजीन पेत्रिन ने अगुवाई की, जो कि डिमडिमा पल्ली के पल्ली पुरोहित थे। फादर पेत्रिन अपने पल्ली पुरोहित के पद को त्याग कर नए मिशन की खोज के लिए सन 1970 ईस्वी में बिन्नागुड़ी के एयरफील्ड में अपना सबसे पहला डेरा डाला, जो कि एंड्रयू यूल और कंपनी लिमिटेड अंतर्गत आता था। उसकी मेहनत और दृढ़ निश्चय को देखते हुए हल्दीबड़ी चाय बगान के प्रबंधक ने फादर पेत्रिन को अपने यहाँ आमंत्रित किया और उनके लिए रहने के लिए एक छोटा सा स्थान प्रदान किया। हल्दीबड़ी में रहकर उन्होंने चाय बगान के लोगों की आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा किया। उन्हें बच्चों से लगाव था, बच्चे उन्हें हमेशा अपने पिता के तौर पर देखा करते थे और फादर उन्हें चॉकलेट भी दिया करते थे और उन्हें अपनी गाड़ी में घुमाया करते थे। उन दिनों उन्हें कई समस्याओं एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे तन मन और ध्यान लगाकर नए पल्ली की गठन के लिए जमीन की खोज में लगे रहे और कड़ी परिश्रम के बाद सफलता मिली। उन्हें नेशनल हाईवे 31C के किनारे एक बंगलो मिला, जिसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर रहा करते थे। वह बंगलो डॉक्टर बंगलो के नाम से जाना जाता था और वह काठ का था एवं एंड्रयू यूल और कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत था। फादर पेत्रिन ने बंगलों को खरीदा और यहाँ रहकर विश्वासियों का चरवाहा बन करके लोगों को आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा किए। फादर पेत्रिन का स्वर्गवास 14 जून 1980 बिन्नागुड़ी के डॉक्टर बंगलों में हुआ एवं उनका एक भव्य गिरजा बनाने का सपना अधूरा रह गया। इस पल्ली को फादर पेत्रिन ने अपनी सेवाएं 10 वर्ष तक दिए। बिन्नागुड़ी पल्ली के अंतर्गत 33 बगान एवं 3 बस्ती थे। स्वर्गीय बिशप जेम्स एंथोनी टोप्पो के अनुरोध पर पल्ली के उत्तर पश्चिम दिशा में 1998 में एसजे फादरू द्वारा केलाबाड़ी पल्ली, दक्षिण दिशा में 2001 में ओसीडी फादरू द्वारा धुबड़ी में पल्ली का गठन किए एवं 7 सितंबर 2022 में नए मिशन स्टेशन का गठन हुआ। वर्तमान में
बिन्नागुड़ी पल्ली के अंतर्गत 22 स्थानीय गिरजाएं हैं। पल्ली में करीब 2450 कैथोलिक परिवार हैं। पल्ली की ओर से समाज को उपहार स्वरूप 7 फादर्स, 33 सिस्टर्स, 6 ब्रदर्स, 2 डीकन तथा 9 कैंडिडेट्स दिए हैं। बिन्नागुड़ी पल्ली के भूतपूर्व पुरोहितों के नाम इस प्रकार हैं: ले फादर यूजिन पेत्रिन 1971 से 1980 तक, लेट फादर पॉलोस पिंच 1980 से 1982 तक, लेट फादर मार्टिन लकड़ा नवंबर 1982 से 1986 तक, फादर इसी प्रसाद कुजूर जून 1986 से फरवरी 1992 तक। इनकी कार्यकाल के दौरान गिरजा घर का निर्माण हुआ था। फादर अल्फोंस कुजूर फरवरी 1992 से अप्रैल 1992 तक, फादर लिविन टोप्पो मई 1992 से जून 1997 तक। इनकी कार्यकाल में डॉक्टर बंगलो का नवनिर्माण फादर लिविन द्वारा करवाया गया था। फादर नजारियस तिर्की 1997 से 1998 तक, फादर सेबेस्टियन मार्टिस 1998 से 2000 साल तक, फादर सुधीर कुजूर 2001 से 2004 तक, फादर जकारियस टोपनो 2004 से 2009 तक, फादर उदय चंद्र इक्का 2009 से 2014 तक, फादर फ्लोरेंस इक्का 2014 से 2018 तक, फादर फ्रांसिस कंडुलना 2019 से 2021 तक, फादर सुनील तिर्की वर्तमान के पल्ली पुरोहित हैं। भूतपूर्व सहायक पल्ली पुरोहितों के नाम इस प्रकार हैं: लेट फादर जोसेफ मुलेन, गेस्ट पुरोहित के तौर पे फादर जॉन डीडे 1974 साल में सेवाएं दिए, लेट फादर पास्कल लकड़ा, लेट फादर इसदोर इक्का, लेट फादर फ्रांसिस टोपनो, फादर आइजैक कुजू, फादर मतियस किरपिट्टा, फादर विजय इक्का, फादर अर्नेस्ट कीड़ो, फादर विजय कुजूर, फादर अजित गुड़िया, फादर विंसेंट टिर्की, फादर ऑस्कर तिग्गा, फादर जॉन पीटर तिर्की, फादर सुमन बारला, फादर मनोज बारला एवं फादर चुनहास तिर्की वर्तमान के सहायक पल्ली पुरोहित हैं। भूतपूर्व प्रचारकों के नाम इस प्रकार हैं: जोसेफ सालो हल्दीबड़ी से, पॉलस बेंगड़ा हल्दीबड़ी चाय बगान से, सिरिल लकड़ा हल्दीबड़ी चाय बगान से, जोहन सोरेन हल्दीबड़ी चाय बगान से, जकारियस उराव गैरकटा चाय बगान से, विलियम उराव गैरकटा हिंदू पाड़ा से, नॉर्बर्ट तिग्गा लकीपड़ा चाय बगान से, जॉकिन टोपनो बिन्नागुड़ी, क्रिस्टोफर इक्का हाटखोला से, जूलियस तिग्गा सुरेंद्र नगर चाय बगान से, वाल्टर कुल्लू जो कि हमारे वर्तमान के प्रचारक हैं। हम सभी वृद्ध पुरोहितों प्रचारकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं एवं सभी जीवित लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आशीष मांगते हैं। आइए हम सब मिलकर पल्ली की स्वर्ण जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाएं।